हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे सेकंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने तालाब के बारे में बताऊंगा। आज मैं तालाब पर जा रहा हूं और पूरा तालाब की जानकारी दूंगा कि मेरा तालाब कितना सुंदर है और मैं अपने गांव के अच्छा तालाब है जो हमारे यहां एकमात्र सबसे अच्छा तालाब वही है। तालाब तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं एकमात्र इसलिए कह रहा हूँ वही एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण से अच्छा लगता है। दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाता हूँ अपने तालाब के बारे में और पूरी जानकारी दूंगा। ये तालाब नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये कोई तालाब नहीं है, एक छोटा सा तालाब आप मान सकते हैं कि तालाब है लेकिन इसे तालाब की उतनी मान्यता नहीं है। और मैं चलता हूँ आपको दूसरी रास्ते और आपको बताऊँगा अपने तालाब के बारे में। और कुछ लोग यदि वहाँ पर मिल जाए तो वो लोग भी आपको तालाब के बारे में कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं कि कैसे आप लोग इस तालाब के पास जा सकते हैं और पहुंच सकते हैं, कितना पुराना ये तालाब है। और यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी लगे हुए हैं जो कम से कम 1000 साल से भी पुराने पेड़ हैं, जिसके पेड़ का तना बहुत मोटा और मजबूत दिख रहा है। चलते हैं तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे सेकंड ब्लॉग में। तालाब पर जा रहे हैं हमारे चाचा जी, जा रहे हैं हमारे साथ, आपको पूरी जानकारी देंगे अपने तालाब के बारे में, कितना पुराना तालाब है। ये अभी हम पीछे निकला है गांव से लगा हुआ ही हमारा तालाब है और आगे कुछ दूरी पर हम पहुंचने वाले हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो हम आ गए हैं तालाब पर, आप देख सकते हैं पीछे हमारे यहाँ अंडरलॉक लगी हुई दिख रही है आपको नीचे, ये हमारा तालाब है, आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है जहाँ हम खड़े हैं, एक दूसरा पेड़ है, ये बहुत मोटा पेड़ है, आपको पूरा दिखा रहे हैं पेड़ को अच्छे से। आप लोग बुंदेली भाषा में तालाब बोलते हैं, वहाँ खड़ा हूँ मैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक लोग और बैठे हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे मैं मंदिर के पास हूँ और इस पेड़ के पास हूँ, जो आप बता सकते हैं इस पेड़ कितने साल पुराना हो सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट करना ना भाइयों। देखिए इस पेड़ के बारे में हमारे चाचा जी कुछ बता रहे हैं जिससे मैं पूछूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे ये कितने साल पुराना पेड़ है, जो आप लोग अंदाज़ा ला सकते हैं। अनुमानित लोग बता रहे हैं इसको कि लगभग 500 साल से ज़्यादा पुराना पेड़ हो चुका है। अभी हम चाचा जी से पूछेंगे कि पेड़ कितने साल पुराना हो चुका है। कम से कम नहीं है तो 50 साल को पहले को पेड़ होगा, बताओ खोखला होगा जो आदमी लेकर फिर भी अभी जी रहा है। चाचा जी बता रहे हैं कि लगभग 500 साल पुराना पेड़ हो चुका है और इसकी टहनियाँ पूरी खोखली हैं, जो आपको दिख रहा है ये पेड़ पूरा खोखला हो गया है, कितना मोटा है आप देख सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ जो गाँव से लोग तैरने के लिए तालाब पर आते हैं वो लोग इस पेड़ के माध्यम से, इसमें जो टहनियाँ लगी हैं उस पर बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं और उससे नीचे गिरते हैं, मजा आता है ऊपर से वो चखने से, ऊपर गिरो भसा कोड़ो फिर आ रहे नीचे से चले जा रहे डूब डूब के, कितने नीचे तक जाते हैं डूब डूब के, मजा आता है। चाचा जी बता रहे हैं कि यहाँ एंजॉय का भी बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे पेड़ से बच्चे नीचे तालाब में नीचे गिरते हैं। और ये भाई बैठा है पीछे, ये भी यहाँ पर कई बार आता है नहाने के लिए, तो तालाब पर इसी पेड़ से चढ़ के और तालाब में नीचे गिरते हैं। यहाँ साला वही नंगा घूमता ही है तो लड़का नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग यहाँ जैसे बच्चे होते हैं तो वो तो हर प्रकार से हैं, जो अंडरवियर में भी ऊपर से कूदते हैं।